आपका नाम? मोमानी भाई। आपका नाम? हल्की भाई जी। आपको क्या परेशानी है? विधवा पेंशन नहीं मेरे हिसाब मिल रही है। कब से आपको विधवा पेंशन नहीं मिली आपको? कम से कम 5-6 साल हो गए। किस कारण नहीं मिली आपको? आप मिला ही नहीं रही है, बस कह देते फोटो कॉपी ले ले से कटी से पंचो कुछ भी नहीं। आप किसके कहने गई? वो पारवा छतरपुर से आनी। छतरपुर में क्या कहा आपसे? कौन के कहने गई? आप किससे मिली? कटरी है वहाँ पे गंज में। तो गंज में आप किससे? जगत सिंह। उन्होंने क्या कहा आपसे? वो कह रहा है हाँ करवा देंगे कोई नहीं करवा। तो आप लोगों ने आप इसके खिलाफ क्या किया अभी तक? आप कुछ भी नहीं किया। यहीं पे आए हैं साहब, आप जो सुनाई गई क्या नहीं क्या सुनाई होती तो वहाँ पे जाए। किसके साथ आई हैं आप? यहाँ सारे जनों के साथ में। सारे जने कौन? तो क्या कहना है आपको यहाँ की सरकार के बारे में? आप साहब ये टीवी करवाना चाहिए होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में आपका क्या कहना है? हम तो ये चाहते हैं कुछ ही अच्छे के वोट दे भी चाहते हैं। किसको वोट देना चाहते हैं? उनको आप नाम झाड़ू के जी। झाड़ू के विषय में आपका क्या कहना है? झाड़ू के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कहने चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं हम पूरी करेंगे। बिजली के बारे में, छुट्टी के बारे में कोई सुनता ही नहीं है साहब। 3-4 बार क्लब के पैसे मिले। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ सुपर आज के नाम पर केवल 24 रुपया 70 रुपया दिए जा रहे हैं। ये किसान के साथ बहुत बड़ा मजाक है, अन्याय है। जिस राज्य में 5 बार जिसे कृषि क्रमण अवार्ड मिला है जिस राज्य को, उस प्रदेश की हालत यह है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये हालत इस प्रदेश की है, इसलिए हम लोग यहाँ अंचल में आए हैं आलोक भाई अग्रवाल के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप आलोक अग्रवाल जी के बारे में? मैं उनका साथ जब तक वोट अंचल पर रहेंगे तब तक मैं उन लोगों को उनका साथ दूंगा, और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं हम लोग भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक व्यवस्था बदली है और वो बहुत ही अच्छे राजनीति के रूप में, विकल्प के रूप में आए हैं केजरीवाल साहब, और वो देश की राजनीति में जरूर बहुत अच्छा परिवर्तन लाएंगे। लाइफ ऑफ से बात करने के लिए, लाइफ ऑफ टाइम देने के लिए मैं काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।